कभी सोचा है कि एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में आखिर क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस ये है कि एक टॉपर स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है? क्या डिफरेंस ये है कि वो जो टॉपर स्टूडेंट है उसकी ब्रेन पावर बहुत ज्यादा हाई है? या फिर डिफरेंस ये है कि वो जो टॉपर स्टूडेंट है उसकी मेमोरी पावर बहुत ज्यादा है? अगर मैं आज आपसे ये बोलूं, इन तीनों में से कोई भी रीजन सही नहीं है। सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि एक टॉपर स्टूडेंट को ना कुछ ऐसी स्टडी स्ट्रेटजीज के बारे में पता होता है जिसकी मदद से वो हर एक एग्जाम के अंदर टॉप करके आता है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और अगर आज की वीडियो आपने ये सोच के क्लिक करी है कि इसके अंदर मैं कुछ ऐसा चमत्कार बताऊंगा जिससे कि आप एक दो दिन के अंदर टॉपर बन जाओगे, तो मेरे दोस्त ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, आप इस वीडियो को बंद करके जा सकते हो। बट आज जो मैं बताऊंगा, अगर आपने उन सारी चीजों को अप्लाई करा अपनी पढ़ाई के अंदर, तो गारंटी से आप टॉपर बन सकते हो। इसलिए पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि एक अपनी नोटबुक और एक पेन लेकर आ जाओ। ऐसे बैठे बैठे इस वीडियो को मत देखो, ये कोई फिल्म नहीं चल रही, कोई मूवी नहीं चल रही जो कि आप एंजॉय करते करते देख रहे हो। एक नोटबुक पेन लेकर आओ और जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं उन्हें नोट करो, क्योंकि ये वीडियो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब ध्यान से सुनना, आज हम बात कर रहे हैं एवरेज वर्सेस टॉपर की। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर पिछले 4 से 5 साल के अंदर हजारों टॉपर से बात करी है, हजारों एवरेज स्टूडेंट से भी बात करी है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर लो, जैसे कि IIT JEE NEET, या फिर आप किसी बोर्ड एग्जाम की बात कर लो, चाहे 10th बोर्ड 12th बोर्ड, हजारों बच्चों से बात कर चुका हूं। और एवरेज और टॉपर के बीच में पता है क्या डिफरेंस होता है? ध्यान से सुनना। पहली चीज, ये जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, आखिर ये पढ़ते कैसे हैं? सबसे बड़ा सवाल कि टॉपर कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। और वही चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। ये जितने भी सवाल लिखे हैं ना, इन सभी सवालों का आंसर दूंगा इसी वीडियो के अंदर, ध्यान से सुनते चलना। पहली चीज, टॉपर कैसे पढ़ते हैं, एवरेज कैसे पढ़ते हैं, क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा। दूसरी चीज, टॉपर डिस्ट्रैक्टेड होते हैं क्या? क्या टॉपर्स भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं? क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना भैया, कि मैं तो ना थोड़ी देर पढ़ने बैठता हूं या बैठती हूं, उसके बाद जो मेरा हाथ है ना मोबाइल फोन पे चला जाता है ना, इंस्टाग्राम पे चला जाता है, यूट्यूब पे चला जाता है। तो क्या टॉपर डिस्ट्रैक्टेड होते हैं? इसका आंसर है हाँ, होते हैं। बट वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, उसके बाद वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी का यूज लेते हैं जिससे कि उस डिस्ट्रैक्शन को वो खत्म कर देते हैं। उस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। अगली चीज, टॉपर कम स्टडी करके भी ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर चुका हूं और मैंने नोट करा है कि जो टॉपर्स होते हैं ना, वो ज्यादा घंटे नहीं पढ़ रहे, वो 10-10, 12-12 घंटे नहीं पढ़ रहे, वो कम पढ़ रहे हैं, बट उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब सोचने की बात ये है कि आखिर वो कैसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं जिससे कि वो कम पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स को लेकर आ रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, टॉपर सब कुछ याद कैसे कर लेते हैं? भैया, ये समझ नहीं आता हमें। हम एग्जाम के अंदर जाते हैं, टॉपर को तो सब कुछ याद होता है कि हमारे टीचर ने ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये रिएक्शंस वगैरह सब कुछ याद है उसको। आखिर उसके दिमाग के अंदर ऐसा क्या है? उसके दिमाग के अंदर कुछ खास नहीं है। याद करने के कुछ ऐसे तरीके जिससे कि टॉपर सब कुछ याद कर लेता है। आज एक एक करके इन चारों सवालों का आंसर देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सवाल से कि टॉपर आखिर पढ़ते कैसे हैं। ध्यान से देखते चलना। देखिए, एक रोडमैप मैं आपको दिखाने वाला हूं, आई होप पेन कॉपी लेकर बैठ गए होंगे, ध्यान से सुनते चलना। पहला स्टेप होता है स्मॉल टारगेट। देखिए, अब मेजरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक, वो मिस्टेक ये है ना कि हम क्या सोचते हैं कि जोश आया, मोटिवेशन आया कि अब से तो ना हम ये जो हैं, हम 95% लेकर आएंगे, IIT क्रैक कर लेंगे, नीट क्रैक कर लेंगे, और हम गोल बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं 12 घंटे पढ़ने का। कितने घंटे पढ़ने का? 12 घंटे पढ़ने का। और यहीं पर ही हमारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, तुमने साल भर पढ़ाई करी नहीं है, अब तुम ये सोच रहे हो कि यार अब तो बस 12 घंटे पढ़ लेंगे, क्या पढ़ पाओगे, क्या पॉसिबल है? नहीं। इस वजह से पहला जो स्टेप है वो होता है स्मॉल टारगेट्स बनाओ। 12 घंटे नहीं पढ़ना, अरे भैया 1-2 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे पढ़ेंगे शुरुआत में, उसके बाद क्या करेंगे, अपने टाइम को इंक्रीज करते चलेंगे। और सबसे पहला स्टेप टॉपर्स का यही होता है। टॉपर्स क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं 2 घंटे से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये होता है स्टेप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगली बात सुनो, अगला होता है डोंट फॉलो मेनी बुक्स एंड टीचर। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक टीचर से मैथ पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे टीचर से वही चैप्टर आके यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, अलग अलग चीजों से पढ़ रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं करना है। टॉपर्स क्या करते हैं, ज्यादा टीचर्स को फॉलो नहीं करते, ज्यादा बुक को फॉलो नहीं करते, वो 1-2 किताबों को पढ़ेंगे और एक ही टीचर को फॉलो करेंगे। इस वजह से उनका जो टाइम होता है ना, वो वेस्ट नहीं होता। आप क्या कर रहे हो, कभी इधर से पढ़ रहे हैं, कभी उधर से पढ़ रहे हैं, कभी इधर से पढ़ रहे हैं। ऐसे करोगे तो आधा समय तो कंफ्यूजन में निकल जाएगा भाई। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2। एंड स्टेप नंबर 3, खुद के नोट्स। देखो, अगर समय है तो यार खुद के नोट्स बनाया करो प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? साइंटिफिक फैक्ट बता देता हूं, जब हम लिखते हैं वो हमारे दिमाग के अंदर छपता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है?
तो अगर तुम लिख रहे हो, खुद के नोट्स बना रहे हो, ऑटोमेटिकली तुम्हारी मेमोरी के अंदर सारी चीजें रिटेन होती जाएंगी। बट अगर तुम्हारे एग्जाम के अंदर समय कम है तो बिल्कुल किसी और के नोट्स आप फॉलो कर सकते हो, बट अगर टाइम है प्लीज खुद के नोट्स बनाओ। ये है हमारी पहली चीज। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा सवाल था, टॉपर्स का डिस्ट्रैक्शन हैक क्या होता है। देखो टॉपर्स भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, बट वो कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एक स्टूडेंट बनाते हैं हम, राहुल यहाँ पर, ठीक है। अब राहुल क्या करता था, राहुल था हमारा बेचारा एवरेज स्टूडेंट। वो क्या करता था कि हुआ क्या ना कि यार उसने सोचा 6 बजे से पढ़ना मैं स्टार्ट कर दूंगा। अब राहुल के साथ क्या हुआ कि राहुल ना डिस्ट्रैक्टेड हो गया, उसके बाद मैसेज आ गया फोन के ऊपर, वो इंस्टाग्राम चलाने चला गया, यूट्यूब चलाने लग गया। अब अचानक से उसे याद आया कि यार मैं तो 6 बजे पढ़ने वाला था, बट उस समय पर टाइम हो रहा था कितना, टाइम हो रहा था 6:30। अब राहुल टेंशन में आ गया और राहुल ने बोला यार मैंने तो अपना आधा घंटा खराब कर दिया यार, अब मैं क्या करूंगा। और राहुल ने क्या सोचा, यार अब 6:30 बज रहे हैं, अब ऐसा करता हूँ 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। कितने आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये चीज फॉलो करते हैं, ये करते हो ना तुम, कि अगर आधा घंटा खराब हो गया तो अब क्या करेंगे, अब बाद में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बट अब बताता हूं मैं एक और कहानी जो कि हमारे टॉपर मोहित की। अब मोहित क्या करता है, मोहित की भी सेम कंडीशन की। मोहित का क्या हुआ ना कि 6 बजे उसने पढ़ने का सोचा था बट टाइम हो गया 6:30। अब ध्यान से सुनना, मोहित क्या करेगा, मोहित खुद से बोलेगा कि जितना टाइम खराब हुआ है ठीक है, अब जो समय गया वो गया, बट अब जो मेरे पास टाइम यहां से बचा है उस टाइम पर मुझे अपनी जी जान लगानी है, मेहनत लगानी है। ये होता है टॉपर माइंडसेट, ये होता है टॉपर माइंडसेट, समझ पा रहे हो। जब वो 6:30 से पढ़ना स्टार्ट करेगा, वो ये नहीं सोचेगा यार अब तो 7 बजे से पढ़ने जाऊं, नहीं 8 बजे से, अरे यार पूरा दिन खराब हो गया कल से पढ़ता हूं, नहीं वो बोलेगा अब जितना समय है, चाहे 1 घंटा बच रहा है, आधा घंटा बच रहा है, 15 मिनट बच रहा है, उस 15 मिनट में भी वो पढ़ के जाएगा। ये होता है टॉपर माइंडसेट। तो टॉपर्स भी बेटा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, बट उनके माइंडसेट की वजह से वो क्या करते हैं, उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलते हैं और पढ़ाई पे फोकस करते हैं। और डरो मत, डिस्ट्रैक्टेड हर एक स्टूडेंट होता है, तुम अकेले नहीं हो, हर एक स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है, बस डिस्ट्रैक्शन से बाहर आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दो सवाल हमारे आंसर हो गए, तीसरा सवाल हमारा क्या था, तीसरा सवाल हमारा यह था कि जो टॉपर्स जो थे ना वो कम पढ़ के कैसे ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो हमें नहीं पता। मैं बता देता हूं, देखो 90% से ज्यादा टॉपर ना एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, वो स्ट्रैटेजी है पावर आर स्ट्रैटेजी। पावर आर स्ट्रैटेजी ये क्या बोलती है, ये टेक्निक वैदिक टाइम से चली आ रही है, पुराने जमाने से। हाँ, इस टेक्निक के अकॉर्डिंग आपको अपने दिन का केवल 1 घंटा, कितने घंटे मैं मांग रहा हूं आपसे, 1 घंटा, 1 घंटा पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठ के पढ़ाई करनी है, और यही टेक्निक टॉपर्स फॉलो करते हैं। देखो होता क्या है ना, याद करो एग्जाम से एक रात पहली रात, एग्जाम से जब एक रात पहले होता है ना उस समय पर हम कितने ज्यादा फोकस्ड होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कल हमारा एग्जाम है, पूरे पूरे 10-10, 12-12 घंटे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, करते हैं ना। अब सोचो उतना ही फोकस अगर हम हर रोज केवल 1 घंटे के लिए, केवल 1 घंटे मांग रहा हूं आपसे, 1 घंटे के लिए अगर हम डेली उतना फोकस से पढ़ाई कर लें तो पता है क्या होगा, इस 1 घंटे के अंदर आप 4 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो। और यही होता है टॉपर का स्मार्ट स्टडी का स्ट्रेटजी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब से आपको क्या करना है मेरे दोस्त, अब से मैं ये नहीं बोल रहा ज्यादा पढ़ो, ज्यादा जो पढ़ते हैं ना वो तो मूर्ख बच्चे होते हैं, हमें मूर्ख नहीं बनना, हमें क्या करना है कम पढ़ना है, बट एकदम हाई फोकस के साथ पढ़ना है। उस समय पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन मेरे आसपास नहीं होना चाहिए, मोबाइल फोन नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। उस समय पर एकदम फोकस्ड होकर आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये होता है पावर आर स्ट्रैटेजी। ये हो गया हमारे तीसरे सवाल का आंसर। अब सुनो चौथा सवाल, चौथा सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, टॉपर सब कुछ याद कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना भैया, पढ़ तो रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं हो रहे, बट भैया याद कैसे कर पा रहे हैं, उनकी मेमोरी पावर क्या है, तो मैं बता देता हूं। देखो केवल 1-2% स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मेमोरी पावर जिनकी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मैंने देखे अपनी जिंदगी के अंदर, बट 1-2% होते हैं। बट 98% जो टॉपर्स होते हैं ना उनकी मेमोरी हाई नहीं होती, बट वो एक टेक्निक को फॉलो करते हैं। उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, टेक्निक का पॉइंट नंबर 1 है शॉर्ट टर्म रिवीजन। भैया शॉर्ट टर्म रिवीजन क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता, बड़ा ही सिंपल, सुन मेरी बात। शॉर्ट टर्म रिवीजन ये बोलता है कि डेली आपको क्या करना है, जैसे कि इमेजिन करो आप अपने ट्यूशन से आ रहे हो, स्कूल से आ रहे हो, कोचिंग से आ रहे हो, जहां से भी पढ़ के आ रहे हो, आपको जो स्कूल के अंदर उस दिन पढ़ाया गया है ना वो आपको केवल 10 मिनट के लिए रिवाइज कर लेना है फटाफट से। आपने नोटबुक ली, अच्छा है 10 पन्ने का हमें स्कूल में पढ़ाया है, फटाफट से उसको क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया, बस इतना काम करो। अगर हर रोज कंसिस्टेंसी से अगर आप ये शॉर्ट टर्म रिवीजन करोगे ना,
इसके अंदर सब कुछ स्टोर होता जाएगा और आप चीजें भूलोगे नहीं। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक हम कर रहे हैं कि हम शॉर्ट टर्म रिवीजन नहीं कर रहे हैं। हम रिवाइज कब करते हैं, जब एग्जाम आने वाले होते हैं। एग्जाम से एक रात पहले पन्ने पलट के देख रहे हैं भैया रिवीजन क्या क्या करना है क्या क्या करना है। ये बहुत बेकार स्ट्रेटेजी है। आपको क्या करना है, हर रोज रिवीजन करो ना, बस 10 मिनट ही तो मांग रहा हूं। 10 मिनट अगर डेली रिवाइज कर लोगे तो क्या चला जाएगा। और दूसरी चीज याद रखना जो कि है, टीच अदर्स। देखो टॉपर्स जो होते हैं ना दूसरे बच्चों को पढ़ा भी देते हैं, अगर नहीं पढ़ाते तो वो क्या करते हैं, खुद को पढ़ा लेते हैं। ये बड़ी मस्त स्ट्रेटेजी है। आपको क्या करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट खुद को समझा लो। अगर आप किसी को कॉन्सेप्ट समझा सकते हो ना तो इसका मतलब है वो कॉन्सेप्ट आपको आ गया है। जैसे आपने कोई भी नई चीज पढ़ी, कोई भी आपने स्कूल के अंदर कोचिंग के अंदर पढ़ा, तो खुद को पढ़ा दो कि यार इसके बाद ये होता था, ये होता था, ये होता था, ये होता था, बस इतना काम कर दो। अगर आप इतना काम करोगे उससे क्या होगा, जो आपकी मेमोरी है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आप सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट। ये थे हमारे 4 पॉइंट। अब एक लास्ट पॉइंट जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सेल्फ डाउट। इसको समझाता हूं मैं एक सिमिलर सी कहानी के साथ। बड़ी छोटी और प्यारी कहानी है। दो स्टूडेंट्स थे, ठीक है। एक स्टूडेंट कौन था, एक स्टूडेंट था हमारा, इधर हम नाम ले लेते हैं एक स्टूडेंट का जो कि है स्नेहा, ठीक है। अब स्नेहा जो है अपने स्कूल की टॉपर है, ठीक है। अब स्नेहा क्या करती है कि फिफ्थ क्लास के अंदर उसके साथ क्या हुआ था कि उसने ना अपने स्कूल के अंदर मार्क्स बहुत अच्छे लिए आए थे, तो सारे टीचर्स ने उसको क्या करा, अप्रिशिएट करा। उसको बोला यार स्नेहा यार तेरे तो मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं यार, तू तो क्लास की टॉपर है। उससे क्या हुआ, स्नेहा को खुद पे कॉन्फिडेंस आया। उसे लगा कि यार हाँ मैं तो पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ। उसकी वजह से स्नेहा ने सिक्स क्लास के अंदर टॉप करा, सेवंथ में करा, एट्थ में करा, नाइन्थ में करा, टेंथ में करा। ये क्यों पॉसिबल हो पाया, ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि सब टीचर्स ने और स्नेहा के पेरेंट्स ने उसको ये बोला कि यार हाँ यार तू तो पढ़ने में इंटेलिजेंट है और तू तो अच्छे मार्क्स ला सकती है, जिसकी वजह से स्नेहा को क्या आया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। अब यहाँ पर एक दूसरा हमारा स्टूडेंट है जो कि है रोहित। अब रोहित की कहानी सुनना। रोहित की कहानी में क्या होता है, सिक्स क्लास के अंदर रोहित के मार्क्स अच्छे नहीं आते और उसके पेरेंट्स उससे ये बोल देते हैं कि यार तू तो पढ़ने में बेकार है। तो उससे क्या हुआ, रोहित का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था ना वो एकदम नीचे चला गया। अब इस वजह से रोहित कभी सेवंथ क्लास में भी अच्छे मार्क्स नहीं ले पाया, एट्थ में भी नहीं ला पाया, नाइन्थ में नहीं ला पाया, टेंथ में भी नहीं ला पाया। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके क्या है, खुद पे सेल्फ डाउट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेल्फ डाउट। अभी के समय पर आप पता है टॉपर क्यों नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं। आपको लगता है यार मैं थोड़ी ना कर पाऊंगा, अरे यार ये तो टॉपर बच्चे करते हैं, मेरे बस की थोड़ी ना है। क्यों, तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम में क्या कमी है, सेम टीचर सेम बुक सेम दिमाग, कर लोगे कर लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है खुद पे कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, मार्क्स अच्छे लाने हैं, सेल्फ डाउट से बाहर निकलो, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ। जिस दिन वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, जब तुम खुद से बोल पाओगे कि हाँ यार मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, उस दिन देखो तुम टॉपर बनोगे। और इसी के लिए आज इस वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ के जाना, वो कमेंट है यस आई विल बिकम टॉपर, या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हो मैं टॉपर बनूंगा, मैं टॉपर बनूंगी, जैसे भी आपको लिखना है, बट आज इस कमेंट को जरूर करना। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप खुद पे कॉन्फिडेंस ला पाओ, ठीक है यार भैया कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो मत करो, मैं कभी नहीं बोलता, बट अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया करो। शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।